सॉफ्टवेयर है तो वीडियो पर स्टडी कर रहे हैं नहीं कहां पर ये अच्छा वो वीडियो एक पे करेंगे कहां पर लेके जाएंगे आप वहां से हां बैग में पड़ी है क्या मुझे बुलाना है क्या मेरे वीडियो का आगे ये अपन ले आना है तो ठीक है मैं बता देता हूं अपने जाए किस के पास और गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग चल है डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप चेक कर लेना ये सर चेक कर दिया उसमें आपका वो मेंशन है लॉगिन आईडी और पासवर्ड मीटिंग आईडी का लिंक और पासवर्ड यस क्वेश्चन नंबर थर्ड इन क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज टेंजेंट 5 थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा माइनस 30 डिग्री 5 theta and theta minus 30 are acute angle. Find the value of theta. So theta की आपको value find कर दिया. Simple है. सबसे पहले 90 पे change करेंगे. So this will become cotangent 90 minus 5 theta equals cotangent theta minus 30 degree. Now these two angles are equal means 90 minus 5 theta is equal to theta minus 30 degree. So 90 plus 30 is 120 and 5 theta plus theta is 6 theta. So theta is 120 upon 6, that is 20 degree. Is it clear? Question number 1. Question number? 1. So first question mein aapko likha hua hai cos 5 degree. To cos 10 into cos 15 and so on up to cos 180. अगर मैं ये बोलूँ कि something multiply by zero, zero multiply by something is zero. Hello. Zero multiply by something is zero. So that's why here the value of sine 90, sorry cos 90. cos 90 भी एक टर्म होगी क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते एक टर्म आएगी cos 90 एंड द cos 90 इज जीरो दैट्स व्हाई समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो द आंसर इज जीरो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना इसमें बस ये लॉजिक था कि आप cos 90 अगर आ रहा है तो जीरो हो जाएगा एनी अदर डाउट रेज योर हैंड यस मनन अवनी सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने सर एक बुक में प्रैक्टिस कर रहा था तब देखा था सर मैं वो पूछ लूं क्या अभी पूछ ले सर ये यस अवनी बोला सर बोलो सर बोला था कि वो एसआर नंबर का होना चाहिए हमारे डीपीएस का जो ऐप है उसमें एस नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो जो वीडियोस है वो दिखा देंगे जो ऐप वाले था सर वो मेरे हो ही नहीं रहा ओपन वो बेटा आई थिंक ना एक दो दिन से नहीं हो रहा होगा उससे पहले तो हो रहा होगा सर मैंने अपडेट भी किया था तब इनवैलिड पासवर्ड और यूजर नेम आ रहा था वो एक बार मैं बाद में चेक करवा देता हूँ ठीक है आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर लेना उसके बाद मैं चेक करवा दूंगा सर मुझे एक डाउट है यस बोलो सर इवेल्यूएट sin 41 डिग्री sin 49 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री cos 41 डिग्री सबसे पहले वो sin नहीं है sin बोल sin sin 41 डिग्री सर sec 41 डिग्री इसके साथ में नहीं सर ये होगी स्टेटमेंट नो सर ये नहीं है बोलो फिर स्टेटमेंट बोलो
सर इवेल्यूएट sec 41 डिग्री sin 49 डिग्री sec 41 डिग्री sin 49 डिग्री बस प्लस cos 49 डिग्री cos 49 डिग्री cosec 41 डिग्री cosec 41 डिग्री देख दिस इज secant 45 तो दिस इज 90 माइनस 41 सो cos 41 दिस इज cos 41 similarly this is sin 41 now sin 41 is equal to 1 upon cosecant 41 so cancel out ho jayenge to answer 2 aayega sir fourth question jo test ka tha yes sir the value of tangent 1 into tangent 3 into tangent 5 to dekho yahan pe odd number ki wo ban rahi hai वन इंटू लेके कौन सॉल्व करेगा यस अवनी बेटा सॉल्व करोगे टेंजेंट वन डिग्री इंटू में टेंजेंट थ्री डिग्री इंटू टेंजेंट फाइव डिग्री सर ये मुझसे भी नहीं हुआ था किससे सॉल्व हुआ था किस किसने सॉल्व किया था so here this is tangent 1 into tangent 3 degree into tangent 5 degree and so on up to tangent 89 degree so isse pehle jo term aayegi that will be tangent 87 degree to check karo agar main in dono ke pair banau maine aapko bola tha ki 90 degree ka combination check karo complementary angle ka check karo so this is tangent 89 can be written as cotangent 1 90 माइनस थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कोटेंजेंट थीटा सो दिस इज कोटेंजेंट 1 एंड दिस इज कोटेंजेंट 3 नाउ कोटेंजेंट 1 इज रिटन एज टेंजेंट 1 सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेंजेंट 3 ये कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे सो जो मिडल टर्म बचेगी दैट इज टेंजेंट 45 सिर्फ आंसर उसका आएगा और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 आंसर क्या आएगा वन आएगा इसका इज इट क्लियर सर सर एक और क्वेश्चन है बोलो सर इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी शो दैट sec स्क्वायर हाँ बोल secant स्क्वायर थीटा सर sec स्क्वायर ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन टू माइनस वन इक्वल्स टू cos cot स्क्वायर ए बाय टू रिपीट secant स्क्वायर बी प्लस C upon 2 आगे माइनस वन इतना ही है इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर सर कॉट कोटेंजेंट कोटेंजेंट ए बाय टू ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो ए प्लस बी प्लस सी जो होता है किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री तो अगर उसका 180 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करियो ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में डिस्कस किया था सर वो वाला भी नहीं हुआ और ये वाला भी नहीं हुआ सर देख इसमें दिया है अपने को बी प्लस सी इफ दिस इज ट्रायंगल बोलिए एक बार ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल कहां पे है यस सर एट बी एट बी सो दिस इज ए बी सी नाउ एंगल बी प्लस सी अपॉन टू दिस इज 90 डिग्री एंगल ए प्लस सी ये जो है ना आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इन दोनों का जो पेयर है ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री So the sum of these two angle is always 90 degree. कभी भी आपको क्वेश्चन किसी भी ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें वो हमेशा इन दो एंगल्स पे वर्क करता है इस एंगल पे वर्क नहीं करता क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं जैसे यहां पे अपन ने बनाया ना टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 89 तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे तो यहां पे भी ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और हमने जो प्रॉपर्टी की थी दैट इज secant square theta minus tangent square theta is equal to 1
सो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा. वी कैन राइट सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू नाउ वी कैन राइट दिस एज टेंजेंट स्क्वेयर बी प्लस सी अपॉन टू. दिस कैन बी रिटन एज टेंजेंट स्क्वेयर बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा. नाउ दिस कैन बी चेंज एट 90 डिग्री. चेंज इट एट 90 डिग्री. दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वेयर 90 माइनस ए अपॉन टू. तो ये अगर 90 पे चेंज हो रहा है तो दिस विल बिकम टेंजेंट स्क्वेयर. सो इट मीन्स बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन टू. मीन्स बी प्लस सी अपॉन टू प्लस ए अपॉन टू इज 90 डिग्री. एंड एलसीएम इज टेकिंग एलसीएम दिस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इज 90 डिग्री. एंड नाउ ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री. सो 180 अपॉन टू इज 90 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्लियर? ये सर ब्लड दिख रहा है लेकिन. यस सर समझ आ गया. ठीक है. एनी अदर डाउट? नो सर. सो 8.4 ओपन कर लो. इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया था हमारा. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है जो अपन ने डिस्कस किया था ना क्लास में. Now evaluate sine square 63. Third question. Evaluate sine square 63 degree plus sine square 27 degree. अपॉन कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री. अगेन चेक द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो वी कैन राइट साइन स्क्वेयर 63 प्लस दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वेयर 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वेयर 17 प्लस कॉस स्क्वेयर 90 माइनस 17. वी कैन राइट दिस एज नाउ दिस इज साइन. दिस इज साइन एंड दिस इज कोस. सो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज 1. दिस विल बिकम साइन स्क्वेयर 63 प्लस कोस स्क्वेयर 63 अपॉन कॉस स्क्वेयर 17 प्लस sin square 17. Now this is sin square theta plus cos square theta. This will become 1 upon 1 and the answer is 1. Sin square theta plus cos square theta. जो हमने trigonometric identities की थी तीन, तो उसमें से first identity that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Cos square theta equals to 1. Similarly नीचे भी denominator में भी sin square theta plus cos square theta 1 रहा. एंगल सेम है. चेक द एंगल. हियर द एंगल मस्ट बी सेम. सो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज 1 एंड द आंसर इज 1. नाउ ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. जस्टिफाई योर चॉइस. 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए. नोट डाउन दिस एंड ट्राई फोर्थ क्वेश्चन.
सर विच पार्ट फर्स्ट पार्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सर डन कितना आंसर आया सर वन वो सर आइडेंटिटी से आएगा ओके एनीबडी एल्स यस अवनी यस सर सॉल्व हो गया बेटा शिवांश नहीं आया नो सर सॉल्व कर रही हूँ ओके शिवांश नहीं आया यस मधुसूदन खुशी वनी आ रहा है कार्तिक सॉल्व करो बेटा यस आयुष्मान सवन नहीं बेटा आयुष्मान यस महिपाल यू आर राइट दुवेंदर यू आर राइट यस आयुष्मान सिक्स स्क्वायर माइनस यस सर नाइन आ रहा है यस यू आर राइट यस सर वो गलती से थोड़ा सर नाइन ब्रैकेट वन सर वन कर लिया यस ऐश्वर्या आप राइट हो बेटा देखो उसने बोला है नाइन सीकेंट स्क्वायर माइनस नाइन टेंजेंट स्क्वायर है तो टेकिंग नाइन एज अ कॉमन वी लेफ्ट विद सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर So secant square minus tangent square A is 1. So 1 into 9 is 9. So the 9 is the right answer. Any doubt? So the next question is second part 1 plus tangent theta plus secant theta into 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा देखो बेटा अब मैं एक गोल्डन रूल बता रहा हूं आपको जब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ट्रिग्नोमेट्री का ठीक है आप सबसे पहले उसको क्या करो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो कन्वर्ट इन साइन इन एंड कोस सब चीजों को साइन और कोस की फॉर्म में लिख लो क्योंकि साइन और कोस जो है ना एक तो इसकी वैल्यू अगर 90 पे पूछे 30 पे पूछे 60 पे पूछे तो वैल्यू हमें रिमेंबर है वैल्यू याद है और दूसरा क्या है कि साइन कोस के हर एक फॉर्मूले याद है हमें चाहे उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चाहे उसका मतलब वैल्यू हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हो या फिर उसके 90 पे जो चेंज हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा तो ये मैक्सिमम बार ये फॉर्मूला यूज होते हैं तो ये याद हो जाएंगे आपको तो इसलिए आप क्या करो हर एक क्वेश्चन में ट्राई करो कि उसको साइन थीटा और कोस थीटा में सॉल्व कर लो क्वेश्चन इजी हो जाता है यस अवनी सर मैंने आपने जो ये क्वेश्चन किया मैंने उसके अलग मेथड से किया साइन स्क्वायर कौन सा वाला क्वेश्चन सर यही क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बेटा सर यस सर मैंने 9 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 10 स्क्वायर ए ठीक है बेटा मैं समझ गया आपने 9 प्लस स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी वो राइट है बेटा देखो गलत नहीं है वो भी लेकिन आप ये देखो कि आपके वाले में कितने स्टेप बने और इस वाले में कितने स्टेप बने आपका कोई भी पेपर होता है ना अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्जाम होता है वहां पे ये इंपॉर्टेंट ही रहती कि आप उसको सॉल्व कर पाए या नहीं देखो आप में से काफी बच्चे होंगे जो इसके बाद नॉन मेडिकल और मेडिकल लेंगे तो नॉन मेडिकल और मेडिकल अगर ले रहे हो तो उसमें आपको ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा क्वेश्चन आता होगा लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम में कर रहे हो तो उस टाइम को रिड्यूस करना है हमें जब हमारा टारगेट 100 out of 100 का तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे टाइम सेविंग की तो टाइम सेव कैसे होगा यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिख रहा है This is secant square minus tangent square. तो डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी है तो हम डायरेक्ट में जाएंगे वो भी गलत नहीं है बेटा अगर बाय चांस आप
पेपर में उस तरीके से करके आओगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके सर। वो करना है, सेव करना है। इज इट क्लियर? मतलब फोर्थ का सेकंड पार्ट है उसको ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस। Yes, Manan. सर कुछ भी दिख नहीं रहा है सर। बोर्ड दिख नहीं रहा? नो सर। सर पूरा ब्लर दिख रहा है, आपकी आवाज भी। हेलो वेट अ मिनट। आयुष्मान कार्तिक अवनी, आयुष्मान कार्तिक अवनी बेटा, साउंड और ये बोर्ड विजिबल है सर? बोर्ड हल्का सा ब्लर था पहले, पर अब क्लियर है। एंड साउंड? सर साउंड ठीक है पर बोर्ड हल्का सा ब्लर है। ओके बड़े इफेक्ट पड़ा है कुछ? मेरा आंसर तो ऑप्शन नहीं, मेरा आंसर तो ऑप्शन नहीं। सॉरी सर, गेट को ओपन कर दो। हेलो अब तो मेरे थ्री आ रहे हैं। दिस इज वन प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। किस किस ने ये क्वेश्चन कर लिया? माइनस फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन किस किस ने कर लिया? माइनस। यस मधुसूदन। सर कर तो लिया सर, पर थ्री आ रहा है सर आंसर। कैसे किया सर? वो सबको सर साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लिया पूरा। उसके बाद सर थ्री आ रहा है। यस अवनी। सर मेरे आंसर टू आ रहा है। कैसे किया बेटा? सर मैंने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। वेट बेटा, बेटा यहाँ पे सीकेंट थीटा है। Now, LCM cos theta. So this will become 1 cos theta plus sin theta plus 1. And here this will become sin theta plus cos theta minus 1. Now this is A plus B and A minus B. So A square minus B square. Identity है ना? ऐसे किया था बेटा? यस सर।
So this is a square माइनस बी स्क्वेयर. डिनोमिनेटर में यह क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा. सो टू आंसर आएगा इसका, क्योंकि जिसको आइडेंटिटी अपन जब ए प्लस बी होल स्क्वेयर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, दिस विल बिकम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी. साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा. सो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन बन जाएगा, और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा. तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ बचेगा टू कोस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा. तो ये कैंसिल आउट हो गया, टू आंसर आ जाएगा. अगर आप इसको बिना कोस साइन कोस में कन्वर्ट किए करते तो ये बहुत लेंथी बनना था, क्योंकि पहले आप यहां पे देखो, ठीक है, फिर ये अलग से टर्म पे टर्म बनती जाती. सो फर्स्ट स्टेप में ही आप उसको साइन कोस में प्रूव कर लो. देखो दो क्वेश्चन है, एक तो टू प्रूव वाले क्वेश्चन जो होते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, उन क्वेश्चन में आप सिंपली क्या करो, फर्स्ट स्टेप में आप सारा साइन कोस में चेंज कर लो. अगर आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, उसको करो. अदरवाइज सबसे पहला स्टेप क्या बना दो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे. ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको लेंथी नहीं लगेगा अगर आप साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हो. यस मनन. नो सर. यस खुशी. सर आई हैवंट अंडरस्टूड लास्ट स्टेप. सॉरी सर आई हैवंट अंडरस्टूड लास्ट स्टेप. ये वाला, दिस वन. यस सर. ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो स्टेप है. यस सर. देखो इस स्टेप के बाद अगर मैं बात करूं, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर. सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, दिस इज माइनस वन स्क्वेयर एंड दिस विल बिकम माइनस वन. एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज साइन थीटा इनटू कोस थीटा. Now sin square theta plus cos square theta is 1. So 1 plus 2 sin theta into cos theta minus 1 upon sin theta cos theta. So these two are get cancelled out. Left with 2 sin theta cos theta, and in the denominator this is sin theta cos theta. So answer is 2. खुशी इज इट नाउ क्लियर? सर डाउट. यस सर. एक क्वेश्चन है. बोलो बेटा. ऐसे टू साइन डाउट को डाउट सेशन क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ऐसे अपनी एक्सरसाइज रह जाएगी. okay. और डिस्ट्रेक्शन भी होगी कि किस टॉपिक से हम पीछे लिंक कर लेते हैं. मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दू डाउट बेटा. सैटरडे को डाउट्स क्लास होती है ना अपनी, उस दिन पूछ लेना. ओके. कार्तिक बोर्ड पे ध्यान दो रेदर देन टाइपिंग. ट्रिग्नोमेट्री कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स इन एग्जाम. सो विच पोर्शन इज हैवियर, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन? एप्लीकेशन में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सॉरी 4 मार्क्स का. सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे. एक तो क्वेश्चन होगा कि प्रूव करने के लिए प्रूव दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर जो ये है 5th के 3rd पार्ट से, मतलब 5th क्वेश्चन जो कंप्लीट है, इस तरीके के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और बाकी साइन स्क्वेयर और प्लस कोस स्क्वेयर की ट्रिक उस पे प्रॉपर्टीज पे. तो थर्ड को इसका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम आपको उसी तरीके से करना है. लेकिन आप फोर्थ का देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट. अब यहां पे हम साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता है.
secant square theta minus tangent square theta is equal to 1. That's why 1 plus tangent square theta, 1 plus tangent square theta is secant square. So in fourth part, this will become secant square theta in numerator and cosecant square theta in denominator. अब आप क्या करोगे साइन कॉस में चेंज करोगे, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला तो यहां पे भी डायरेक्ट बनता है, बिकॉज दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. वन कॉसिकेंड का क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सीकेंड को हम वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे. तो साइन अपॉन कॉस इज टेंजेंट, सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज आंसर. ये वैल्यू भी टेंजेंट स्क्वायर थीटा के है, लेकिन मैं ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं लर्न करवा रहा आपको, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला लर्न करने का कोई फायदा नहीं है कि बाद में उसको भूलते जाओ. हम बेसिक उन्हीं फॉर्मूला को याद करेंगे जो हमारे काम के हैं, बाकी सबको हम कंसेप्ट वाइज करेंगे. समझ आ गया बेटा, ये फोर्थ पार्ट जो मैंने करवाया, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर, सिंपली ये फॉर्मूलाज ही है. दिस इज सीकेंट स्क्वायर का और जो डिनोमिनेटर में है वो कॉसिकेंट स्क्वायर का है. सो फोर्थ क्वेश्चन तक आपको नोटबुक में करना है और आपकी कल नोटबुक चेक होगी. सेवंथ और एट्थ, सॉरी इससे पहले अपन ने कौन सा चैप्टर किया था, एट्थ चैप्टर से पहले एपी किया था. यस चिराग. यस सर. तो एपी और इसकी. यस सर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सर 8.4 कॉपी में रहनी है क्या, चेक होगी फेयर नोटबुक. 8.4 बोलो बेटा. 8.4 करनी है कॉपी ना. 8.4 के फर्स्ट फोर क्वेश्चन, और दो तीन दिन में हम ये फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ ही जब रिवीजन क्लास चलेगी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के. आज हिंदी क्लास है. हाँ हिंदी क्लास है बेटा. ट्राई थर्ड क्वेश्चन बेटा, अभी टाइम पड़ा है, 5 मिनट पड़े, तो थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लो जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है. म्यूट कर लो, म्यूट योरसेल्फ. यस मोहित. Sir, your band, sir, here it is showing that the DBS Barber network bandwidth is low and I am not getting the full image of your. अब बेटा एक बार जो recording send होती है recording देख लेना, ठीक है, अगर किसी में थोड़ी problem है या फिर मेरे को किसी भी question में अगर problem है तो मुझे call कर लेना. आपकी जैसे ही हिंदी और English की class खत्म होती है, ठीक है. यस मधुसूदन. सर आंसर आ गया इसका. कितना? कॉस ए. यस अवनी ने सबसे पहले किया, कॉस ए आंसर किया उसने भी, देवेंद्र ने भी, ऐश्वर्या ने भी. ऐश्वर्या बेटा अभी समझ आ रहा है? यस सर. ठीक है अभी. अच्छा ये बताओ, मैंने भी तो किया है कर रहा हूं. ट्रिग्नोमेट्री अब कैसे लग रही है, इजी लग रही है या अभी भी टफ है? इजी. पहले भी इजी लग रही थी. इजी सर. इजी भी इजी. इजी है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शुरू से इजी है सर. शुरू से इजी है. पीस ऑफ केक. दिस चैप्टर इज पीस ऑफ केक. So, 8.4 के बाद आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचेगी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और क्लास प्लस वन की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो और भी इंटरेस्टिंग है. संजय टर्न ऑन योर वीडियो. तो सर उसमें एक ही एक्सरसाइज देंगे अगले चैप्टर में. कैसे सर, एप्लीकेशन में एक ही एक्सरसाइज है क्या? यस एक ही है. हाँ. लेकिन उसके क्वेश्चन जो है कभी भी
एनसीईआरटी की बुक में से नहीं आए, वो हर बार क्वेश्चन नया बनता है। तो कहाँ से आता है सर? वो हर बार नया बनता है बेटा, कभी भी ये नहीं है कि क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनाना कैसे है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कैसे है कि यहाँ पे कौन सा मतलब एनसीईआरटी की होगा ना, हाइट मेजर करनी है या कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, स्कूल की बिल्डिंग का टावर, कोई जो ये अपना फोन सिग्नल का टावर है, कोई एरोप्लेन फ्लाई ओवर कर रहा है, तो कितने मर्जी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। क्वेश्चन क्रिएट करना मतलब एग्जामिनर को उस पार्ट में सबसे ईजी है। एक आपके जो क्वेश्चन न्यू क्रिएट होते हैं, एक तो इस पार्ट से होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, और सेकंड जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं आपके मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन मींस जब आप वॉल्यूम निकालना होता है तो उसमें भी उसको कोई क्वेश्चन चेंज करना है तो क्या करेगा, आपके जो सिलेंडर है उसके ऊपर कभी वो हेमिस्फीयर पुट कर देगा, कभी उसके कोन पुट कर देगा, उसकी लेंथ चेंज कर देगा, तो उसमें भी अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सर मेंसुरेशन में प्रश्न काट दिया ना, क्वेश्चन बहुत बनते हैं नए क्वेश्चन। हेलो हेलो, ये कौन था? ओके बेटा, बाकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? टाइम ओवर हो गया तो फिफ्थ क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लो, जो हेलो हेलो बोल रहा था। एक पोलाइटली बोला करो, बोलने का एक तरीका होता है कि आप टीचर के साथ कैसे बोल रहे हो तो टीचर भी उसी तरीके से बिहेव करेगा आपके साथ, टीचर की जो टोन है उसी तरीके से चेंज हो जाएगी जैसे ही उसको पता चलेगा कि बच्चा कैसे बोल रहा है। यस खुशी, सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।